हॉट वाटर बॉटल, इसकी गर्माहट दे नेचुरली आराम. सो लेट्स प्ले हिक्स हॉट वाटर बॉटल. शतेषु जायतेषु रः सहस्रेषु च पण्डितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ऐश्वर्य धैर्यादि भावभरिताः प्रियप्रेक्षकाः स्वागतं पुनरपि भवतां वार्तावल्याः अस्मिन् नूतने अंके भवतां सानिध्येन सुदीप्ता इयमहं दीप्तिः स्वनमनाञ्जलिं समर्पयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतं संसेवितुं प्रवर्धयितुं च कृतसंकल्पेभ्यः शूरवीरधीरादि स्वभाव संयुताय दर्शकवृन्दाय अयम् अहम् नीतीशः अपि स्वप्रणामाञ्जलिं समर्पयामि. नीतीश, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता इति उक्तिः तु सुप्रसिद्धा अस्ति एव. दर्शकाः, किन्तु विना शौर्यम् अथ विना धैर्यम् कुतः कश्च आप्नोतुं शक्नोति एकरूपताम्? सत्यम्, एकरूपता तु विना वीरतां धीरतां वा कथम् आप्तुं शक्यते. यतः शूराः तु ते भवन्ति ये परप्राणान् रक्षन्ति, अपि च प्राणान् प्रदातुमपि भवन्ति तत्पराः. अनेनैव भावेन संयुतमस्ति सुभाषित प्रभागे संकलितं सुभाषितमेतत्. एतदेव परं शौर्यं यत् परप्राणरक्षणं न हि प्राणहरः शूरः शूरः प्राणप्रदोर्थिना. संकट में पड़े हुए अन्य व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा करना ही शूरवीरता का सर्वोत्तम उदाहरण है. निश्चय ही दूसरों के प्राणों को हरने वाला व्यक्ति शूर नहीं हो सकता. वस्तुतः सच्चा शूर तो वो व्यक्ति ही है जो क्षमा मांगने वाले दोषी व्यक्तियों का जीवन भी दान स्वरूप दे देता है. Saving someone's life is the highest form of bravery, and indeed one who takes someone's life cannot be called brave. True brave is one who pardons those who seek forgiveness. शोभनम्, कियत् सारल्येन दानादि विशेष गुणानां महत्त्वम् अवबोधितम् अनेन. गुणानां संकलनेन एव अस्माकं जीवनं भवति सार्थकम्. सार्थकमेव जीवनं चिरं सर्वेषां मानसपटले अंकितं भवति, सदैव प्रेरणां च प्रयच्छति. गुणानां संकलनमिव एव महत्त्वपूर्ण वार्तानां संकलनं भवति अस्माकं प्रवाही वार्ता प्रक्रमे. राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं शतकोटि लक्ष्य प्राप्त्यवसरे राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एताम् उपलब्धिं समेषां सहभागिता समेषां विकासः समेषां प्रयासः इति मन्त्रस्य उदाहरणत्वेन प्रख्यापितवान्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सूच्यौषध प्रयोगाभियानं आत्मनिर्भर भारतस्य प्रतीकत्वेन प्रख्यापितवान्. सममेव प्रधानमन्त्री वोकल फॉर लोकल इत्येतदर्थमपि बलं दत्तवान्. देशेन शतकोटि जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदाय इतिहासः विरचितः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन्नवसरे दिल्लीस्थं राम मनोहर लोहिया चिकित्सालयं सम्प्राप्य स्वास्थ्यकर्मिणाम् उत्साहं वर्धितवान्. प्रोक्तवान् च यत् शताब्द्याः वैश्विक महामारीं विरुध्य देशः सम्प्रति शतकोटि सूच्यौषधानां सुदृढं सुरक्षाकवचं सन्धारयति. बिलगेट्सेन भारतस्य सूच्यौषध प्रयोगाभियानं प्रशंसितं. प्रोक्तं च यत् भारतेन शतकोटि सूच्यौषध लक्ष्य प्राप्तये स्वीयाधारभूत शक्तीनाम् उपयोगः कृतः. प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सान्निध्ये सुदृढा राजनीतिक इच्छा शक्तिः अपि बिलगेट्सेन प्रशंसिता. कुशीनगरस्य महापरिनिर्वाण मन्दिरे अभिधम्म दिवसावसरे समायोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी भागं गृहीतवान्. भगवतः बुद्धस्य प्रतिमायै चीवर इति अंगवस्त्रविशेषम् अर्पितवान्. प्रोक्तवान् च यत् बुद्धस्य धम्मः मानवतायै वर्तते. भगवतः बुद्धस्य अप्पदीपो भव इति सन्देशम् भारतस्य आत्मनिर्भर संकल्पाय प्रेरणारूपेण प्रख्यापितवान्.
उत्तराखंड केरलयोः अतिवृष्ट्या जलौघेन च जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। उत्तराखण्डे अतिवृष्ट्या भूस्खलनेन च प्रायशः 46 जनानां मृत्युः सञ्जाता। राष्ट्रियापत्मोचनदलानि सैन्यबलानि च साहाय्योद्धारकार्येषु सजवं संलग्नानि सन्ति। स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत अशेषे ही देशे केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षी बल द्विचक्रिका वाहन मार्गीय यात्रा समायोजिता कृता सन्ति। एतासां मार्गीय यात्राणां उद्देश्यं स्वतंत्रताया 75 वर्षग्रन्ते स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव इति रूपे समायोजनम्, ऐतिहासिक स्थलानां यात्रया भ्रातृबंधुत्व संदेश प्रसारणम्, सममेव देशभक्तेः पारस्परिक सौहार्दस्य भावनायाश्च सुदृढीकरणं वर्तते। भारतस्य 250वां अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः गोवायां नवंबर मासीय 20 दिनांकात् समारप्स्यते। विश्वस्य द्वौ उत्कृष्ट निर्देशकौ सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट इत्याख्येन सम्मानेन सभाजयिष्येते। बेंगलुरु नगरे साहित्य अकादमी द्वारा विगत वार्षिक युवा पुरस्कार कोरोना कारणात् गते रविवासरे 24 भारतीय भाषा वर्गे 24 युवा कविभ्यः प्रदत्तं गतः। संस्कृत भाषायां तावत् साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारं संस्कृत सुयुव कविः डॉक्टर ऋषिराज पाठकः आद्योन्मेष इति काव्य संग्रह प्रणयनार्थं प्राप्तवान्। संस्कृत सुकविः डॉक्टर पाठकः पुरस्कार रूपेण 50,000 रूप्यकैः ताम्रफलक प्रशस्त्या च भूषितः अभवत्। प्रिय प्रेक्षकाः, शौर्यं धैर्यं च समेत्य स्वदेशस्य इतिहासः समीक्ष्यते चेत् नैके महापुरुषाः अस्मदीये स्मृतिपथे आयान्ति। सत्यं, विपरीत परिस्थित्यामपि ये सधैर्यं शौर्य प्रदर्शनं विधाय रक्षन्ति आत्मसम्मानं संरक्षन्ति च परप्राणान्, नूनं ते हि अस्मत् प्रेरणापुरुषाः। तादृशेषु एव प्रेरणापुरुषेषु नूनम् अतिविशिष्टः आसीत् बाबा बन्दा सिंहः बहादुरः। प्रस्तूयते तम् शौर्यापरपर्यायम् महनीयम् व्यक्तित्व विशेषम् आधृत्य एषः वृत्तविशेषः। भारतीया धरा सदैव असत्य विरुद्धं सत्यस्य अधर्म विरुद्धं च धर्मस्य सनातन विजय साक्षित्वमस्ति भजमाना। यत्र धर्मः रक्षार्थम् उपकल्पितः यदर्थं च भवन्ति उदिताः असंख्य नायकाः। येषां हि हौतात्म्यं प्रवर्धयति धरायाः गौरवाधिक्यम्। तावद् एतादृशेषु एव शूरवीरेषु आसीद अन्यतम महानायकः बाबा बन्दा सिंह बहादुर नामकः। सन्यासावधौ स संपर्के आगतः सिख धुरंधरस्य दशमगुरोः गोविंद सिंहस्य। गुरुणा गोविंदेन तदा तदीयं नाम धृतं बन्दा बहादुर सिंहः इति। आज्ञप्तः अपि सः यत् पंजाब प्रांतीयाः आक्रांताः हिंदू प्रजाः तेन रक्षणीयाः इति। एवं प्राक्तनः सन्यासी सः सेनानायक स्वरूपम् अपि प्राप्य यमुना समीपे सोनीपत स्थाने अनतिचिरं वीर सैन्यदलं संघटितवान्। नवाधिके 17वें वर्षे तात्कालिकस्य सरहिंद प्रांतस्य समाना नामकं नगरं च आक्रम्य तद् विजित्य अपि तेन प्रबल प्रतिशोधः पूरितः तस्याः बीभत्स घटनायाः, यदा क्रूरेण नवाब वजीर खानेन गुरु गोविंद सिंहस्य जीवितमपि सुपुत्रद्वयं भित्ति भृतमासीत्। बन्दा बहादुरस्य मित्रेण फतह सिंहेन तस्मिन् युद्धे वजीर खानस्य शिरश्छेदं विधाय तद् बालद्वयीय क्रूरहत्यायाः प्रतिशोधः अन्ततः पूर्णतां प्रति प्रापितः। इतः पश्चात् तेन आक्रान्त्रि मुगलानां विरुद्धं विजितं एकैकमपि युद्धम्। एकदा तु लाहौरस्थलम् अतिरिच्य सम्पूर्णेऽपि पञ्जाब प्रान्ते अभवत् सिख योद्धॄणाम् आधिपत्यम्। 15वें वर्षे मुगल साम्राज्य द्वारा बन्दा सिंह बहादुर विरुद्धं बृहत् सैन्यदलं सम्प्रेष्य गुरुदास नांगलस्थः दुर्गः आबद्धः। 7 मासान् यावत् तद्दुर्गं परितः प्रबध्य
भोजनाभाववशात् विवशायितः ससैन्यं बन्दा बहादुरः मुगलैः बन्दीकृतः। बन्दीभूतः स बन्दा बहादुरः यदा दिल्लीं प्रति आनीयते स्म तदा मार्गे मुगलसैन्यदलैः सहस्रशः सिक्खमतावलम्बिनः आसन् क्रूरतया मारिताः। इह अवधातव्यम् एतत् यत् सर्वैः तैः सिक्खवीरैः सहर्षमेव मृत्योः वरणम् विहितम्, न परम् स्वधर्मावरणमात्रमपि परित्यक्तम्। तावद् अन्ततः जीवितैः वीरयोद्धृभिः सह बन्दासिंहबहादुरः मुक्ते क्षेत्रे आनीतः। मुगलसम्राजः सम्मुखम् ते शिरोवनमनपूर्वकम् क्षमाम् याचितुम् आज्ञप्ताः। परम् सिक्खवीरैः सह बन्दासिंहबहादुरेण तथा कर्तुम् सर्वथैव निषिद्धम्। एतद्दृष्ट्वा तत्समीपे एव तस्य चतुर्वर्षीयः अजयसिंहनामा पुत्रः नृशंसतया हतः। अनुभूते एवम् क्रूरेऽपि कृत्ये बन्दाबहादुरः स्वधर्मम् प्रति दृढतया सुस्थितः एव दरीदृष्टः। ततः तैः मुगलाततायिभिः क्रूरतया बन्दाबहादुरस्य हस्तपदकर्तनम् कृतम्, परम् शिरश्छेदपूर्वम् यावत् तन्मुखात् सततम् गुरोः एव नाम निःसृतम्। धर्मरक्षार्थम् सर्वस्वमर्पयितुः युद्धवीरस्य अस्य हौतात्म्यम् परम् न कथमपि व्यर्थम् सिद्धम्। समग्रतः भारतभुवः आक्रान्त्रिमुगलानाम् साम्राज्यम् तु एवम् ध्वस्तीभूतप्रायम्। छप्पन छिरी इत्याख्ये स्थले अवस्थितेन विशालयुद्धस्मारकेण तु सर्वदैव स्मारयिष्यते स सत्पुरुषः अतुल्यधर्मरक्षकः बाबा बन्दासिंह बहादुरः। नारायणदत्तानोदितम् वार्तावलिवृत्तम्, डीडी न्यूज। अद्भुतम्। दर्शकाः यदापि दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको, ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं, ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है, परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। धैर्यस्य शौर्यस्य च गाथा स्मर्यते तदा रामस्य नाम वयम् कथमपि विस्मर्तुम् न शक्नुमः। तेन समः न अन्यः कश्चिदपि भवेत् यस्मिन् शौर्यधैर्ययोः तथा स्यात् मञ्जुलसन्निवेशः। आम्, सः तु अस्ति प्रतिमूर्तिः युगपदेव धैर्यशौर्ययोः। रामम् आधृत्य बह्व्यः कथाः बहवः च प्रसङ्गाः जगति प्रथिताः सन्ति इति सर्वे जानन्ति एव। सर्वथा सत्यम्। वस्तुतः तस्य एव मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य चरितम् विशदरूपेण ज्ञातुम् विज्ञापयितुम् च रूसदेशीयः आधुनिकः विद्वान् अपि कृतभूरि परिश्रमः अस्ति। अपि जानन्ति भवन्तः तेन तु रामकथायाः प्रशंसनीयः अनुवादः अपि कृतः। अद्यतने त्रिज्या प्रभागीये अस्मदीयः अतिथिः अस्ति, स एव रामचरितानुवादकः, मास्को विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः, भारतविद् डॉक्टर मैक्सिम देमचेंकोवर्यः। भारतीय मनीषी साधुजन सानिध्यम् उपविश्य ज्ञानस्य प्रबल प्रकाश पुञ्जं प्रकाशयितु कामः भारतवर्षस्य अनेकेषु तीर्थेषु च समागत्य तत्तत् सांस्कृतिक महत्त्वं स्वकीये रूस देशे प्रसारयितु कामश्चस्ति प्रोफेसर मैक्सिम देमचेंकोः इति नामधेयः कश्चन बहुभाषा कोविदः भारतीय संस्कृत्याधारित जीवन दर्शन युतः प्रेरणा प्रदश्च युवा। एषः अधुना मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी इत्यस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस इत्याख्ये संस्थाने प्राध्यापकत्वेन भारतीय ज्ञान विज्ञान राशिम् वितनोति छात्रेभ्यः हर्षपूर्वकम्।
भारतीय संस्कृति से अनन्य प्रेम रखने वाले और भारतीय साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले रूस देश के प्रोफेसर मैक्सिम देमचेन को आज हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रोफेसर मैक्सिम, मैं आपका कार्यक्रम वार्तावली में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद। प्रोफेसर मैक्सिम, सबसे पहले तो मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप भारतीय संस्कृति के इतने अधिक निकट कैसे हैं। आप जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती का इतिहास लंबा रहा है। मैं सोवियत संघ का बच्चा हूँ, सोवियत संघ का लड़का हूँ, तो सोवियत समय में भारतीय संस्कृति बहुत प्रसिद्ध थी रूस में, सोवियत संघ में, और मैं रामायण और महाभारत बचपन से जानता हूँ। बचपन से क्योंकि एक मेरे दादाजी के उपहार था, कब मैं 10 साल का बच्चा था, ये रामायण बच्चों के लिए, तो एक बहुत अच्छी पुस्तक थी। और स्वतंत्रता समय से रूस और या सोवियत संघ और भारत सहयोग कर रहे थे, कोऑपरेशन कर रहे थे और अभी भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता समय से पहले गांधी जी और तोलस्तोय मित्र थे, मतलब पेन फ्रेंड्स मित्र थे। और एक सामान्य विचार थी ये दोनों के बीच में, ये अहिंसा थे, तो अहिंसा वो एक दोस्ती का बेसिस थे तोलस्तोय और गांधी जी। इसलिए इंडिया में, मैं जानता हूँ कि इंडिया में तोलस्तोय की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध भी थी जी समय में, और मैक्सिम गोर्की भी, तो इसीलिए बचपन से थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जानता हूँ। इसके बाद मेरे पास और पुस्तक थी, रामकृष्ण कथामृता, वो रामकृष्ण परमहंस के बारे में, स्वामी विवेकानंद की भक्ति योग, उनके पास चार पुस्तक है, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग, तो मेरे पास सिर्फ भक्ति योग थी, लेकिन ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो गई भी, तो मैंने समझा कि शायद भारतीय संस्कृति में शोध करना पड़ेगा, और इसलिए मैं स्कॉलर हो गया और भारतीय संस्कृति में मैं भी शोध करता हूँ। और फिर भी अब तक रामायण सबसे दिलचस्प है मेरे लिए और सबसे इंस्पायरिंग है मेरे लिए। प्रोफेसर मैक्सिम, आपने कहा कि भक्ति योग और विशेष रूप से राम कथा का प्रभाव आपके जीवन में आया और आप रामायण पर शोध भी करते हैं भारत में आकर। प्रोफेसर मैक्सिम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रामायण है, जो राम है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? भगवान श्री राम वो सारे दुनिया का भगवान है। एक्चुअली अगर हम मलेशिया को जाते हैं तो बिल्कुल श्री राम देखेंगे, क्योंकि रामलीला मलेशिया में है। अगर इंडोनेशिया को जाते हैं तो फिर भी श्री राम देखेंगे, और श्रीलंका में श्री राम देखेंगे, नेपाल में श्री राम देखेंगे, और रूसी भाषा में रामायण और रामचरितमानस के अनुवाद भी है, तो सबसे पहले 1949 में एक श्री रामचरितमानस का अनुवाद प्रकाशित हुआ, वो प्रोफेसर बारान्यकोव का, तो प्रोफेसर बारान्यकोव वो प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर्स थे। मैंने इस पुस्तक खरीदी और रामचरितमानस, और वो ज्यादा दिलचस्प थी मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ बाचों की कहानी मेरे पास थी, लेकिन अभी ये रामचरितमानस है और अनुवाद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रूसी लोगों के लिए भगवान श्री राम शायद वो एक धार्मिक पुरुष नहीं है, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान श्री राम ज्यादा नायक है, मतलब रोमांटिक नायक है। तो राम रासिक परंपरा के लिए, तो आम लोगों के लिए इंडिया में भगवान श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और बिल्कुल वो मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उनमें मर्यादा भी है, लेकिन वो मधुर मूर्ति भी है, तो भगवान श्री राम वो मधुर मूर्ति है। आम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कृष्ण वो मधुर मूर्ति है क्योंकि कृष्ण जी के पास रासलीला है तो गोपियों के साथ, लेकिन रामायण ये प्रेम की कहानी भी है इंडियन लोगों के लिए, और ये आध्यात्मिक प्रेम कहानी निश्चित रूप से। तो श्री राम के विविध पक्ष हैं, उनके जीवन के, उनके आंतरिक सौंदर्य के विभिन्न पक्ष, उनके श्रद्धालुओं को, भक्तों को, और उन पर विशेष रूप से आप जैसे जो भारत प्रेमी जो शोधकर्ता हैं उनके लिए अनेक पक्ष
खुल के आते हैं। प्रोफेसर मार्क्सिम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप संस्कृत भी सीख रहे हैं और संस्कृत में आपकी अधिक रुचि भी है रामायण के कारण, मैं ये जानना चाहूंगा अभी रशिया में संस्कृत की क्या स्थिति है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि संस्कृत रशिया में कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है। रूस में एक पुरानी संस्कृत स्कूल है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में, शायद दो शताब्दी से संस्कृत स्कूल चल रहे हैं। दो शताब्दी से मतलब 19 शताब्दी से संस्कृत स्कूल है, तो इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग वो संस्कृत स्टडीज की राजधानी है। और अभी भी सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, और इसमें पुस्तकालय भी है और बहुत संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेंट पीटर्सबर्ग को आए थे और उन्होंने संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी वहां पर देखा, जो आपके देश में सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत पुरानी पुस्तक है, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है इस पुस्तकालय में, तो नरेंद्र मोदी जी को ये भी दिलचस्प थे जी। और शायद आश्चर्य से देखे कि रूस में संस्कृत स्टडीज से विकसित हो रहे हैं अभी भी। मॉस्को में दो तीन यूनिवर्सिटीज में भी संस्कृत पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं अभी। और इंडियन दूतावास के पास एक और संस्कृत स्कूल भी है, एक मेरा कोलीग सर्गेय लोबानव इसमें संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं अभी। तो रुचि तो है रूस में और शोध भी है और पढ़ाई भी है संस्कृत भाषा के। जी प्रोफेसर मार्क्सिम, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या रशियन भाषा में और संस्कृत भाषा में आपको कोई समानता दिखाई देती है ध्वनिगत या अर्थगत, तो उसे भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। उदाहरण के लिए अभी मेरे पास दो पुस्तक है, ये एक समारा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इसे स्कॉलर की पुस्तक है दिनीस दिनीसोव की। और पहली पुस्तक ये एटिमोलॉजी, रूसी भाषा की एटिमोलॉजी संस्कृत से के बारे में है, क्योंकि रूसी भाषा में बहुत संस्कृत जड़ है, बहुत संस्कृत रूस है रूसी भाषा में। तो उदाहरण के लिए ईसाई मत से पहले, क्योंकि अभी 50% पॉपुलेशन रूस में वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन 10वीं शताब्दी से पहले रूस में एक रूसी धर्म है और ये इंडो यूरोपियन धर्म थे, तो बुद्ध देवता वो वैदिक देवता भी थे। तो उदाहरण के लिए एक देवता का नाम स्वरोग था, और स्वरोग मतलब स्वर्ग, तो शायद ये ब्रह्मा जी है, तो क्योंकि स्वर्ग में ब्रह्मा जी वो स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग में उपस्थित है ब्रह्मा जी, तो स्वरोग। एक और शब्द है और आधुनिक रूसी भाषा में भी है, ये अगोन, अगोन ये अग्नि है, अग्नि है, अग्नि, अगोन अग्नि। हाँ, एक और शब्द है रूसी भाषा में, एक जवान युवा लड़का वो युनशा, युनशा युवा युवान 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 युनशा। और व्याकरण में, व्याकरण के स्तर पर एक सामान्यता भी है, क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत शब्द है जो पुलिंग के शब्द है, वो आ शब्द, आ वाले शब्द है, मतलब हाँ, मतलब कृष्ण कृष्ण राम शिव सुनील और मैक्सिम जी और अन्य। तो रूसी भाषा में आमतौर पर आ वाले शब्द ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन बहुत पुराने शब्द में मतलब पुलिंग भी है, युनशा वो आ, मुर्शीना मतलब आदमी, ये आ भी है। प्रोफेसर मार्क्सिम, आपने हमें विशेष जानकारी दी, इतनी अद्भुत जानकारी दी कि किस प्रकार से रशिया में भी संस्कृत का प्रभाव है, और आपका जो विशेष अनुराग है भारतीय संस्कृति के प्रति वो ऐसा ही और अधिक बना रहे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, मैं आपका हृदय से वार्तावली की पूरी टीम की ओर से आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आहो
भगवतः श्रीरामस्य चरितानुवादं विज्ञाय कस्य चित्तं न भवेत् वारं वारं मुग्धमिव। नूनमेव महोदयेन यथा स्वकार्यं प्रतिपादितं तेन पुनरपि निःसंशयं प्रतीयते यत् भारतीय संस्कृतितत्त्वं विदेशेषु अपि प्रचुरतया व्याप्तमस्ति। भारतीय संस्कृतिः एतत् तत्त्वं वा सर्वदा सर्वत्र नवीनां ऊर्जां संप्रसारयति। वस्तुतः एतामेव ऊर्जां वयं प्राप्नुमः अस्माकं